अस्सलाम वालेकुम गाइस, या अली मदद, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेके आए हैं जिसपे हम रिएक्ट करेंगे। वो एक नोहा है फरहान अली वारिस का। बेसिकली आज 17 रोज़ा है, मतलब फजर हो चुकी है 17 रमज़ान की, 17वां रोज़ा है आज। तो 21 रमज़ान को मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत है और 19 रमज़ान को मौला की ज़रबत है। मतलब मौला अली को ज़रब लगी थी 19 रमज़ान को फजर के वक्त। तो 2 दिन बाकी बचे हैं, तो मैंने सोचा जितने भी नोए हैं मौला अली मुश्किल कुशा के, तो उन पे रिएक्शन किया जाए, वो सुने जाए। मैं सुनूंगा वैसे भी, तो आपके साथ में सुनूं, मिलके सुने। तो वो नोहा है फरहान अली वारिस का, 21 रमज़ान के हवाले से, मस्जिद कूफा है रोज़ादार है। तो आए बिना टाइम वेस्ट के वो नोहा सुनते हैं, उसके बाद करेंगे। مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے آہداماد پیغمبر کے لیے کہ خون کہہ رہا ہے زخمی سر سے بہ کے خون کہہ رہا ہے زخمی سر سے بہ کے خون دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے کا مکان رات تک آباد تھا کا مکان رات تک آباد تھا کا مکان صبح کو اجڑی ہوئی سرکار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے کلام اللہ ہمیں تلوار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے زخم سر ہے حیدر کرار ہے زخم سر ہے حیدر کرار ہے زخم سر نبض کی رفتار ہے مسجد
दरबार है। मस्जिद गुफा है, रोजा दार 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 है। खुदा लानत करे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम पर, मौला अली के कातिल पर। गाइज नोहा सुन लिया पूरा आपने भी, मैंने भी। फरहान अली वारिस का ये नोहा था 21 रमज़ान के हवाले से, मौला अली की शहादत के हवाले से, कि मतलब वो पूरा बयान बताया गया है कि मस्जिद कूफा है, रोज़ादार है। तो 19 रमज़ान की फजर थी कि अली गए थे वहाँ पर मस्जिद कूफा में इमामत करवाने, नमाज़ पढ़ाते थे मौला अली, तो मिंबर में बस खड़े हुए सुन्नत पढ़ने के लिए। तो पीछे से अब्दुलरहमान इब्ने मुलजिम कहते, पता नहीं दो साल का कहते हैं कि 2 साल तक वो जो तलवार थी, जिस तलवार से मौला अली को ज़र्ब लगाई गई थी, वो तलवार 2 साल तक जहर के प्याले में पड़ी थी, जहर में पूरी की पूरी जहर में पड़ी थी। तो उसमें इतना ज़्यादा जहर भर चुका था कि मौला अली को जैसे ही ज़र्ब लगी ना, तो मौला अली के अंदर पूरे जिस्म में जो है वो पूरे का पूरा खून में जहर बह गया। तो गाइस खैर ये बहुत तफसीली वाक़िया है, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि मैं इतना अहले इल्म नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उतना मैंने आप लोगों को बताया है। और गाइस 21 रमज़ान को जो शहादत है वो कोई आम इंसान या आम हस्ती की नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती की है, क्योंकि दुनिया में पहला इमाम और पहला अल्लाह का वली, उसकी शहादत है। और मौला अली को ऐसे कोई आसान नहीं था शहीद करना कि बस आया जो भी आया वो शहीद कर गया, नहीं, वो शेर खुदा है, उसको इतना आसान नहीं था शहीद करना। तो जालिम ने नमाज में मौला अली को शहीद किया। खुदा लानत करे अब्दुलरहमान इब्ने मुलजिम पर जिन्होंने मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुश्किल कुशा को जो है वो शहीद किया। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, मेरा ये रिएक्शन आप लोगों को पसंद आया हो। तो गाइज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।